तो वहीं प्रदेश के इस अंतरिम बजट के बाद पक्ष और विपक्ष ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। बिल्कुल, मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और मुझे वित्त मंत्री के रूप में आज बजट पढ़ने का भी अवसर मिला। और हर व्यक्ति के लिए योजनाओं के माध्यम से जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम करते आए हैं, वैसे ही आज प्रदेश में एक जनता की सरकार बनी है जो कि गरीब के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी के लिए, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में है। और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ और जो एक प्रबंधन के साथ, आर्थिक प्रबंधन के साथ हम लोगों ने इस बजट को तैयार किया है। और ये तो शुरुआत ही है, ये तो लेखानुदान है। और अब आप देखिएगा जब मॉडिफाइड बजट आएगा तब 70,000 नौकरी का आपने प्रावधान किया बजट में। जी बिल्कुल, ये शुरुआत है, उसके बाद और नौकरियां मिलेगी, लेकिन अभी फर्स्ट फेज में 70,000 पदों को हम लोग। जो आज अंतरिम बजट रखा और जो लेखानुदान मांगे पारित कराई हैं, उसमें इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। जो केंद्र की सरकार ने जो बजट दिया है उसमें से कॉपी पेस्ट की गई है और कोई विजन इन्होंने नहीं दिखाया। फिर वही पुराना राग अलपाते हुए जो महामहिम राज्यपाल से कहलवाया था, पुरानी हमारी गत सरकार की जो जिस तरीके से बुराइयां करने का काम किया है, इसके अलावा कोई विजन नहीं है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, छलावा है। न लेखानुदान है न बजट है। पेश लेखानुदान करना था, लेकिन लोकसभा चुनावों को देखते हुए कुछ उसके अंदर तड़का डालने के लिए कुछ घोषणाएं की हैं। मैं कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा, ये लोग कह रहे थे राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सेस है उसको हम हटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने हटाया, जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे सब लोग, बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वेट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी। भारतीय जनता पार्टी गति जो करती है, ये माननीय भजन लाल जी शर्मा की सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी की सरकार है, जो कहती है करती है, जो कहा है वो पूरा होगा। ये विपक्ष का ही कहना सर कि बजट में कुछ नयापन नहीं है, हम लोग ने जो घोषणाएं करी थी वही घोषणाएं आप लोग ने रिपीट कर दी। वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। तो वहीं अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी का शायराना अंदाज भी देखने को मिला। उन्होंने अपने अभिभाषण की शुरुआत जहां शिव मंगल की कविता से की, तो अंत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से किया। इस सत्र में अंतिम जताने दीजिए, आप मुझे बोलने तो दीजिए। लेखानुदान के बीच वित्त मंत्री का अलग अंदाज देखने को मिला। बजट में कभी शायराना अंदाज दिखा तो कभी विपक्ष की टोका टोकी पर मुखर रूप। वित्त मंत्री ने लेखानुदान की शुरुआत कवि शिव मंगल सिंह सुमन की कविता से की और साफ कर दिया कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। इधर दिया कुमारी लेखानुदान पढ़ रही थी, वही विपक्ष कटाक्ष पर कटाक्ष करता रहा, लेकिन वित्त मंत्री भी उन्हें लगातार जवाब देती रही और पूर्ववर्ती सरकार पर लगातार निशाना साधती रही। पिछली सरकार के संपूर्ण कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन एवं भ्रष्टाचार के चलते राज्य में लगातार बिजली संकट की स्थिति बनी रही। ये आपने छोड़ा है हमारे लिए, हम इसको ठीक करेंगे। भारी भ्रष्टाचार हुआ एवं गुणवत्ता संबंधी भी बहुत अधिक शिकायतें प्राप्त हुई, बल्कि परियोजना के इम्प्लीमेंटेशन की गति भी अत्यधिक धीमी थी। इस कारण हमारे प्रदेश का JJM कवरेज में संपूर्ण देश में 33वां स्थान था। वित्त मंत्री के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष ने नाराजगी जताई तो वित्त मंत्री उन्हें भी जवाब देने से नहीं चुकी। बजट वही पढ़ना पड़ेगा जो इसके अंदर लिखा हुआ है। आप पढ़ने देंगे तभी तो पढ़ूंगी, आप बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं कैसे पढ़ूंगी। आपके मंत्री पढ़ रहे हैं, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मैं तो बिल्कुल ओवरटाइम पढ़ती।
करती हूँ। लेखानुदान में विपक्ष को जवाब देते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना अभिभाषण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की कविता और जय श्री राम के साथ पूरा किया। बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर के चलना होगा के साथ वित्त मंत्री ने भले ही लेखानुदान पेश कर दिया, लेकिन देखना होगा कि विपक्ष सरकार के साथ कितना कदम मिलाकर के चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो वहीं भजनलाल सरकार का पहला बजट आज पेश किया गया। जोधपुर में न्यूज 18 राजस्थान के हमारे संवाददाता रंजन दवे ने आम लोगों से बजट को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया जानी। राज्य सरकार का बजट आया है और लेखानुदान के रूप में इस बजट को देखा जा रहा है। जोधपुर की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जोधपुर के लिए भी घोषणाएं की गई है। क्या कुछ है उन घोषणाओं को लेकर के और क्या सोचती है ये जनता, उससे बात करते हैं जी। क्या कहेंगे इन बजट को लेकर? जोधपुर के लिए तो बेहद निराशाजनक पर्ची बजट है। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, ये पर्ची बजट है, दिल्ली से आई एक बजट का पूरक बजट है जो दिल्ली सरकार ने दिया था पहले, केंद्र सरकार ने। अब उसमें आप ये देखिए कि 1 करोड़ सोलर प्लांट घरों में लगाने की योजना केंद्र सरकार की थी, उसमें से 5 लाख यहां आ गई। अब ये आप अगर आप इनको अलग अलग गिनेंगे तो ये अलग अलग नहीं होंगी, आप भविष्य में जब ये लागू होगी तब आप देखेंगे उन्हीं 1 करोड़ में से 5 लाख इस बजट वाली शामिल कर ली जाएंगी। तो इस लिहाज से इस पर्ची बजट की औचित्य तभी है जब ये पर्ची सरकार अपने पहले 100 दिन की कार्य योजना की बात कर रही थी, अभी तक तो कार्य योजना नहीं बनी है, कितने दिन हो गए, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये पर्ची बजट भी लागू कर पाएगी? क्या ये बात सही है, कैसे उम्मीद कर रही है, क्या कुछ घोषणाएं रही? ये राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहला बजट पारित हुआ है। ये बजट हर वर्ग के लिए बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बजट हुआ है और जनता के हित में हित के जारी योजनाएं जारी की है और जनता के हित में बजट जारी किया है। जैसे अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को शिक्षक भर्ती के थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर 50% की उनको अलग आरक्षण दिया है, 30% से बढ़ा के अन्य भर्तियों में 30 से 40% बढ़ाया है। तो और जोधपुर की बात करें, जोधपुर के अंदर इलेक्ट्रिक सिटी बसों का व्यवस्था भी दी है और एक विशेष समाज विष्णु समाज जो एक पर्यावरण बचाने के लिए शहीद हो गए थे 363 भाई बंधु, उनके लिए उनकी याद में एक म्यूजियम और संरक्षण म्यूजियम और उसके गार्डन का क्या कहेंगे? इस बजट शिक्षा के रूप में फेल है। हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर भवन नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, बच्चे बाहर बैठते हैं, नो एडमिशन का बोर्ड लगा हुआ है। स्वास्थ्य के लिए काम की नहीं, क्या बेसिक जो काम है शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क, उसके लिए काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो बात कर रहे हैं अच्छी बात है बसें, लेकिन बसें के लिए सड़कें कहाँ है? एक मात्र सड़क है जोधपुर के अंदर, वहां बसों का ऑलरेडी ट्रैफिक जाम रहता है, कहां जाएगी बसें? तो सबसे बड़ी बेसिक है वो आज इस बजट में कुछ भी नहीं है। इससे बहुत बड़ी निराशा है, कर्मचारी नाराज है, युवा नाराज है और किसान नाराज है। युवाओं के लिए 70,000 नौकरी का प्रावधान किया। देखिए जो 70,000 नौकरियों का प्रावधान किया है वो किस रूप में कैसे भर्ती प्रक्रिया करेंगे उसका कोई ये नहीं है। युवा रोजगार की मांग कर रहा था, युवा आम आदमी महंगाई से राहत की बात कर रहा था, किसान है वो नई नीति की बात कर रहा था, या MSP के अलावा 125 रूपए बोनस के रूप में कहने की बात करें, लेकिन MSP क्या होगी उसकी निर्धारण की बात ये नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इस बजट को घोलमेल करके और ये दिखावा कर रहे। देखिए कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रिया के तहत इस बजट को देखा जा रहा है और जोधपुर के लिए जो घोषणाएं हैं उस पर निश्चित तौर पर अमल हो, ऐसी सबकी कामना है। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान।